हाय फ्रेंड्स, मो नाम हूँ कृतिदीप्त साहू एवं आपण मैंने देखुंत कॉम्पिटेटिव ओडिशा। सो आज भिडियो में आपण को कहबी कि केमती आपण मैंने सीपीईटी को ऑनलाइन रे अप्लाई करेंगे। तो सीपीईटी पे जब आपण मैंने अप्लाई करने चाहते देन ये भिडियोटा आप बहुत ही हेल्पफुल रहा कहीं भिडियो में आपको ईच एंड एव्री स्टेप सहित आपण मैंने केमी पूरा कम्प्लीट प्रोसेस करेंगे, ता सहित पेमेंट भी करेंगे। ठीक अच्छे से सब विषय कहबी, ता सहित केमी आपने कॉलेज प्रेफरेन्स देते सब्जेक्ट वाइज से सब जिन भी मुझे आज भिडियो में कहि। ठीक अच्छे, सो दयाक भिडियोट को फर्स्ट और लास्ट पर्यटन देखते जहाद्वारा कि आपड़ी कौन से जगह अप्लाई करा टाइम प्रोब्लेम आसे तेल आपने जिनसा को ठीक करेंगे। ठीक किंबा आपड़ी निजे अप्लाई करज फर्म देन आपको कौन से जगह जो भूलभाल हमारे चानसेस रही है तेल से जिनसा भूलभाल भी हम ना। ठीक अच्छे, सो चलो तो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। जब वीडियो आपको पसंद आसो देन वीडियो को गोटे लाइक करेंगे, ता सहित जब चैनल को वर्तमान पर्यटन सब्सक्राइब करना तले देखो रेड कलर सब्सक्राइब बटन अच्छी प्रेस करके पाखे जो बेल आइकन आसन कर दिंतु जहाँफल जिते बड़े भी ये वीडियो आपंपाई आसो तो तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपने। ठीक अच्छे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपण मानक कौन कराया पड़ो देखूँ आपण मोबाइल रे भी अप्लाई करेंगे, आपण कंप्यूटर भी अप्लाई करेंगे। मुझे कंप्यूटर यहीपाई देखा जहाद्वारा कि आपको देखो कंप्यूटर कौन होता है ना स्क्रीन टा बड़ था जहाँ कि आप भूल होबार चांसेस कम थाए। ठीक अच्छे, तो से आपको कंप्यूटर करके देखा बाकी ये जहाँ जहाँ स्टेप करी से ही सब स्टेप को आप मोबाइल भी करेंगे। जदि आप कंप्यूटर ना तो आपबाइल भी करेंगे, से कौन प्रोब्लेम हम ना। ठीक अच्छे, बाकी मुझे आपको स्टेप गुड़ाक कहबी सेमती आपड़ी फॉलो करेंगे देन आपने मोबाइल रे भी आराम से आवेदन करेंगे। ठीक अच्छे, सो देखो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको निज मोबाइल रो ब्राउज़र किंबा डेस्कटॉप रो ब्राउज़र को आसवर अच्छे से आपको सेम सड़स सर्च कराया पड़ो जमी आपने देखिपे सेम सड़स सर्च कर तो यही सेम सड़स सर्च कले यही आपको होम पेज देखापे मिले। तो ये आपको देखते हायर एजुकेशन गोटे पार्ट देखापे मिलूँ जो एरोटा देखी पार्थे जो ब्लिंक होची सेठी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे मीन्स आपको डिग्री प्लस थ्री गोटे देखापे मिलूँ आ गए पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आपको पीजी पे अप्लाई करार अच्छे, सो पोस्ट ग्रेजुएशन उपर क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे, सो पोस्ट ग्रेजुएशन उपर क्लिक कला देखो ये आउ गोटे होम पेज आपर ओपेन हम जोटा कि पीजी एंट्रान्स आपने आवेदन करेंगे से जाकि। ठीक अच्छे, सो देखो यही आपर होम पेज टी ओपेन हे तो ये देखो काली जदि आपने देखिथे काली आपर एटी कौन शो करूला देखु काली आपर एटी शो करूला स्टूडेंट रजिस्टर्ड जीरो शो करूला एप्लायड ऑनलाइन जीरो शो करूला फी पेड आपर जीरो शो करूला। बट बर्तमान देखु केते स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर सारे 1197 स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर सारे एप्लाय केते जन कर सारे देखु 58 जन एप्लाय कर सारे फी पेमेंट भी 58 जन कर सारे। ठीक अच्छे, सो जमी जमी आपण स्टूडेंट मैंने रजिस्टर्ड करेंगे अप्लाई करेंगे फी पेमेंट करेंगे सेमती ये आपण नंबर गुड़ाक धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जीव। ठीक अच्छे, सो बेसिकली आपण को फर्स्ट कौन करार अच्छे जो आपने न्यू आसवे तो आपको ये न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करा पड़ो। ठीक अच्छे, सो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक कले देखते ये टी लोडिंग नब तो लोडिंग नहीं सारापर ये आपण को गोटे देखो ये गोटे होम पेज ओपेन हम तो ये होम पेज रे कौन आसा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आसा। ठीक अच्छे, सो ये आपड़ कौन करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट देते माने जहाँ जी अप्लाई करुच्छे। ठीक अच्छे, जहाँपाई अप्लाई करुँच आपने किंबा निजपाई जब अप्लाई करज नेमटा देते स्टूडेंटर नेम देते निजर मोबाइल नंबर देते जो मोबाइल नंबरटा कि आपर बर्तमान चलाउं से नंबरटा देते कहीं ओटीपी आस मेसेज आसो सब जिन आस एंड इमेल जोटा बर्तमान आपज कर रिसेंट इमेल सेटा देते दे सारापर जेनेट ओटीपी क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे, सो मुझ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर सारी सो रजिस्ट्रेशन मुझे करके देखनी जेनेट ओटीपी क्लिक कलापर आपर मोबाइल नंबर को गोटे कौन आसो ओटीपी आसो जोटा कि इमेल को भी जीव। ठीक अच्छे, मोबाइल नंबर को भी जीव इमेल को भी जीव दुईटा जगह को जीव सेम नंबरटा ही जीव तो से आपने ओटीपीटा देते पासवर्ड आपण पचार। ठीक अच्छे, सो पासवर्ड आपने से देते कौन पासवर्ड देते ना निजे गोटे पासवर्ड बनइबे से देखते 8टा डिजिट। ठीक अच्छे, 8टा डिजिट रो आपको गोटे पासवर्ड देवाई पड़ो जो थी कि कैपिटल लेटर भी थी स्मॉल लेटर भी थी ता सहित तो नंबर थी ता सहित तो किसी स्पेशल कैरेक्टर थी जमती कि एट द रेट होगा हेच होगा तो यही किसी स्पेशल कैरेक्टर थी तो पासवर्ड दे सारापर
सबमिट उपरे क्लिक कले आपण रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो मोबाइल को आपण मेसेज आसो कि आपणकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गला बोली। ठीक अच्छे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सारापर आपर मेन काम स्टार्ट हम कौन ना ये आप लग इन करेंगे। ठीक अच्छे सो केमती लग इन करेंगे देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सारापर एटी आपर जो देखापी मिलूँ एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लग इन तो या उपरे क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे सो या उपरे क्लिक कले देखो आपर कौन हम ना आपण मानक मोबाइल नंबर आउ पासवर्ड मागिबो। ठीक अच्छे देखो जो मोबाइल नंबर आपण मैंने रजिस्ट्रेशन करेंगे से मोबाइल नंबरटा देवे आउ जो पासवर्डटा मुझे आपको कहली कि जमी आपठी पासवर्डटा एंटर करेंगे। ठीक तो से पासवर्डटा ये देवाई पड़ा आज जो ये कैप्चाटा देखा मिलूँ कैप्चाटा को फिलअप करेंगे। ठीक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे फिलअप करदे देखूँ मोबाइल नंबर तापर नेक्स्ट होची हमारा पासवर्ड पासवर्ड दे सारा पर एठी आपण मन को कैप्चा फिलअप करे को पड़ो। तो बहुत ही ध्यान रो सहित तो आपण मन को फिलअप करिवार अछि। ओके तापर लॉग इन उपरे क्लिक करबे तो फिलअप कर सारा पर लॉग इन उपरे क्लिक करले देखंतु आपण मन को स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन होबो। ठीक अछि तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड जो ओपन हैला तो ये देखो आपण मन को देखापी मिलूँ कौन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग फी पेमेंट पेंडिंग प्रिंट कैप माने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सारा पर प्रिंट करेंगे। ठीक अच्छे तो सहीटा भी पेंडिंग अच्छे कहीं बर्तमान पर्यटन आम आवेदन करना तापर ये सैड्रे आपको नाटा शो कर निजर तापर ये एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट एंड चेक पेमेंट स्टेटस शो कर। ठीक अच्छे सो आपड़ जितेबाला भी आवेदन करेंगे मोबाइल जब कर मोबाइल भी ये आपको शो कर फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो ये शो कर मोबाइल कौन करेंगे से गोटे थ्री लाइन थी से थ्री लाइन उपरे क्लिक कले ये आपको तीन टा ऑप्शन मिले। ठीक तो ये आपड़ एप्लीकेशन फॉर्म उपरे क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे सो एप्लीकेशन फॉर्म उपरे क्लिक कला देखो ये चार्टा सेक्शन आपंकर रही चार्टा सेक्शन रु फर्स्ट होची बेसिक इनफॉरमेशन तापरे एडिशनल डिटेल्स तापरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तापरे अपलोड फोटो। तो आपण मन को फर्स्ट ऑफ़ ऑल निजर फोटो आउ सिग्नेचर आपण मन को स्कैन करके रखी नबार अच्छे मोबाइल रे किंबा डेस्कटॉप रे जादर कि अप्लाई करिया टाइम रे आपण को कोनोसी प्रॉब्लम होबो नाही। ठीक अच्छे सो देखंतु फर्स्ट ये बेसिक इनफॉरमेशन रे कोन पचारुची नेम ऑफ द बोर्ड फ्रॉम व्हिच यू हैव पास्ड द टेन्थ एग्जाम ईयर ऑफ एग्जाम एंड रोल नंबर एज इन एडमिट कार्ड। ठीक अच्छे सो आपण मानक टेन्थ बोर्ड रहा देवार अच्छे कौ वर्ष पास होते सहित तो रोल नंबर देवार अच्छे। ठीक अच्छे सो बोर्ड कथा जब आम कह कौन आमर हूँ ओडिशा बोर्ड सो बीएससी ओडिशा। ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ ईयर ऑफ पासिंग तो जो वर्ष पास करते से वर्ष आपर ऑफ पासिंग देते हूँ एग्जाम टाइप आपण केमती एग्जाम पास करते एनुअल कि सप्लीमेंट्री तो एनुअल जदि आपनुअल देवे जदि आपर बेक लगी फेल होते सप्लीमेंट्री पास करते हैं सप्लीमेंट्री देवे। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट हूँ कि ये रोल नंबर कौ रोल नंबर देवे रोल नंबर देवे टेन्थ बोर्ड रोल नंबर देवे। ठीक अच्छे सो टेन्थ रोल नंबर भलसे देवे बिलकुल भी भूल करार ना आराम से फिलअप करेंगे। ठीक अच्छे तापर एप्लीकेंट नेम निजर ना देवे देखो आपड़ जितेबाला एटी रोल नंबर टा एंटर करेंगे निजर ना आसीज फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ऑटोमेटिकली सी आपर एटी वेबसाइट रे शो कर। ठीक अच्छे जदि आपने ठीक रोल नंबर दौरान नेक्स्ट हूँ आपर ब्लड ग्रुप जदि आपने जानते हैं ये सिलेक्ट करेंगे जदि जानी ना सिलेक्ट करा किसी दरकार नहीं। ठीक अच्छे जेंडर आपर ऑटोमेटिकली शो कर रिलीजन आपण को किसी दबा दरकार नहीं जोटा स्टार अच्छे से फिलअप करा पड़ो एंड डेट ऑफ बर्थ भी ये ऑटोमेटिकली आपर शो कर। ठीक अच्छे तापर देखो जदि आपने स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपर ये आइडेंटिफिकेशन टाइप आसो। ठीक अच्छे सो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपड़ कौन दबापी चाहते आधार कार्ड भोटर आईडी पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस कि पैन कार्ड तो आम मेन तो आधार कार्ड मुझे देदेली। ठीक अच्छे तापर आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने आधार कार्ड नंबर टाइम आपको एंटर करिया को पड़ो। ठीक अच्छे तो देखो तो ताहले वर्तमान मुझे आधार कार्ड नंबर टा एंटर कर दो ओके
सो आपको भलसे निज आधार कार्ड देखिकी बिल्कुल भी भूल करार ना एंड हड़बड़ाइबार बिल्कुल भी ना आराम से आपण मैंने फिलअप करेंगे ठीक अच्छे कहीं देखते ये थे फिलअप करेंगे जदि भूल होगा तो बहुत प्रॉब्लम हम ठीक अच्छे। सो आधार कार्ड नंबर फिलअप कर सारापुर पुणी थे चेक करदे आपण मैंने देखते जहाँ भी एंटर कर ठीक अच्छे कि ना ठीक। तापर नेक्स्ट हूँ स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपण कौ स्टेट रू बिलंगस करुँच तो जो स्टेट रू बिलंगस करा आपण मैंने देवे जमती कि आमर हूँ ओडिशा तो आम ओडिशा दबा ठीक अच्छे। तापर हूँ एड्रेस ऑफ करेस्पोंडेंस आपणकर एड्रेस कौन रही आपण मैंने फिलअप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम एड्रेस दे दबा देखु तो स्टेट है गला ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। तापर एटी आपण मानक ब्लॉक सिलेक्ट करिया को पड़ो तो देखो एटी एड्रेस फिलअप कर सारापर आपण मानक सब जिनस जो बेसिक डिटेल्स दिया सेटा आपण मानक फिलअप हो ठीक अच्छे। सो फिलअप कर सारापर कंप्लीट हो सारापर आपण को कौन करार अच्छे ये तौक आसवर अच्छे स्क्रोल करार अच्छे एंड एटी नेक्स्ट ऑप्शन जो रही नेक्स्ट ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट कौन ऑप्शन आसला एटी आर यू सियोर वांट टू प्रोसीड तो ये ओके ऊपर क्लिक करेंगे जदि आप सब जिनस फिलअप कर देखे ओके ऊपर क्लिक करेंगे। सो आप नेक्स्ट सेक्शन को पहुंची जाए जोटि एडिशनल डिटेल्स तो एडिशनल डिटेल्स आप निजर सब जहाँ भी सब कास्ट डिटेल्स रही है से सब फिलअप करने को पड़ो। देखो फर्स्ट आसला आपण मैं कौन रिजर्वेशन डिटेल्स ठीक अच्छे। सो रिजर्वेशन डिटेल्स रे कौन आसला एस टी एस सी ओबीसी एससीबीसी जनरल पर्सनल विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्स सर्विस मैन चिल्ड्रेन सर्विंग डिफेंस पर्सनल नॉन ऑफ दिस तो ये आपर जहाँ भी कैटेगरी अच्छे से आठ देवे जमीक देखूँ जदि आपण मानक ओबीसी कैटेगरी अच्छी तो ओबीसी देवे जदि जनरल तालोले जनरल देवे जदि एससीबीसी तालोले एससीबीसी देवे तो हेई परे जदि आपण मैंने सपोज करूँ कि ओबीसी दौरान तो ओबीसी देले आपण मानक सी ओबीसी सर्टिफिकेट मागी पारे ठीक अच्छे। सो जमती कि मुझे ओबीसी अच्छे तो ओबीसी सिलेक्ट कली। तापर नेक्स्ट अच्छी कि देखूँ वेटेज डिटेल्स तो वेटेज डिटेल्स रे आपण मानक देखूँ आपण मानकर जदि एनसीसी ग्रुप आपण अच्छा तो एनसीसी ग्रुप मागिबो किंबा जदि आपण नेशनल लेवल कौन सी गेम खेली से सब जिन आपठी मागिबो बाकी जदि आपण मैं कौन से जिनस ना तो ये टिक करा किसी दरकार नहीं आपण मैंने सेमती छाड़ पारे ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट आसान नेक्स्ट ऑप्शन सो नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर क्लिक कले देखो प्लीज चूज द रिजर्वेशन डिटेल्स ये आपण मैं आसे सो रिजर्वेशन डिटेल्स आप ओके तो ये आपण मानक फर्स्ट ऑफ ऑल निजर कास्ट दबापाई पड़ो। तापर आपण मैं देखो एक्स सर्विस मैन कि चिल्ड्रेन ऑफ मार्टियर्स किंबा सर्विंग डिफेंस पर्सनल किंबा नॉन ऑफ दिस जदि आपण मानक कौन से ना तो नॉन ऑफ दिस देवे तो नॉन ऑफ दिस मुझे सिलेक्ट कली। तापर ये आपण मानक नेक्स्ट ऑप्शन आसो सो नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तापर नेक्स्ट एटी भी आसो आर यू सियोर वांट टू प्रोसीड तो ओके ऊपर क्लिक करेंगे ठीक अच्छे। सो ओके ऊपर क्लिक कले देखो आपण मैंने पुणी नेक्स्ट पेज को पहुंची जाए जो थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण मानक फिलअप करार अच्छे। देखो कौन आसला ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन तो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जदि आपण मैंने पास करते पास्ट देवे जदि आपण मैंने ये वर्ष फाइनल इयर अच्छा ओके आपण मानक रिजल्ट आसीनी तो आपण मैंने एपीयर देवे ठीक अच्छे। सो एपीयर देने कौन हम आपण मानक सी रिजल्ट मागन आपण मान परसेंटेज केटा मागन जदि आप पास करेंटिक करते सी आपण मानक परसेंटेज माग ठीक अच्छे। सो ये आपर उपर सिलेक्ट करेंगे जदि आपण मैंने एपीयर अच्छा और जदि पास कर सारी आपण मैंने पास उपर सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे। तापर देखो हाव यू पास ग्राजुएशन विथ डिस्टिंक्शन सो ये आपण मैं देखो जिते बारे पास उपर सिलेक्ट करेंगे एंड ये आपण मैं येस नो ऑप्शन आसो बट जदि आपण मैंने सपोज करूँ कि ये एपीयर उपर सिलेक्ट करते ऑटोमेटिकली सी नो डिटेक्ट करनब कहीं आपण रिजल्ट आसनी तो आपण मैंने डिस्टिंक्शन ये वर्तमान ये एलिजिबल हेबेनि ठीक अच्छे। मीनस आपण ग्रेजुएशन पास हो सारापर रिजल्ट आ सारापर आपण को जना पड़ कि आपण
ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ସୋ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟେନ୍ଥ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟେନ୍ଥ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଟାଇପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କରେ ଥିଲା କି ସିଜିପିଏରେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କରେ ଆସିଥାଏ। ସୋ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 600ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ରୋଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଥିବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯାଇକି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆର୍ଟ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ କେଉଁଥିରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଟାଇପ୍ ଥିଲା କି ସିଜିପିଏ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବୋର୍ଡ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ତ ବୋର୍ଡ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା, ତ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଆରାମସେ, ବିଲକୁଲ ବି ହଡ଼ବଡ଼େଇବେନି, କାହିଁକିନା ହଡ଼ବଡ଼େଇଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାଯୋଗୁଁ କି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ, ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ବି ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସୋ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ସୋ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଏପିଏରେ ଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଟାଇପ୍ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ମାର୍କରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ସିଜିପିଏରେ ଆସିବ, ଯଦି ସିଜିପିଏ ତ ସିଜିପିଏ ଦେବେ, ଯଦି ମାର୍କ ତ ମାର୍କ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାର୍କ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ମାଗିବ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପିଏରେ ଦେଇଥିବେ ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ମାଗିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିବ, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ ସିବିସିଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦ କୋର୍ ଇଜ୍ ସିନୋନିମ୍ ଟୁ ଅନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ପେପର୍ ଅଫ୍ 100 marks ଇଜ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ 6 credit। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ସିବିସିଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିବିସିଏସ୍ ଲାଗୁ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିବିସିଏସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିବିସିଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଅନର୍ସ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 mark ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ 100 marks ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ, 6 credit ମିଳିବ, ବୁଝି ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ପାଷ୍ଟ ଏପିୟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ ଅର୍ ପାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିକି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅନର୍ସ ଦେବେ, ଯଦି ପାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାସ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍। ତ ଏଠି ଅନର୍ସ ଅଛି ତ ଅନର୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଯାହାର ବି ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଯାହାର ମ୍ୟାଥ୍ ଥିବ ମ୍ୟାଥ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଫିଜିକ୍ସ ଥିବ ଫିଜିକ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ରେଡିଟ୍ ମାଗିବ, ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 84 ରହିଛି ଗୋଟେ, ନନ୍ ସିବିସିଏସ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତ 84 ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିବିସିଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିବିସିଏସ୍ରେ 84 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଜେନେରିକ୍
तो एठी आपण जेनेरिक इलेक्टिव आपणकर जहाँ भी थिबो जेमती सपोज आपण कोनोसे सब्जेक्ट नहीं कि ऑनर्स नहीं कि करछन जेमती केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं करछन तो आपण को जेनेरिक या तो मैथ थिबो या तो आपण को बॉटनी जूलॉजी थिबो या तो फिजिक्स थिबो जहाँ भी थिबो सेटा आपण माने सिलेक्ट करबे। ठीक अछि, दीटा आपण को जेनेरिक इलेक्टिव थाए बट एठी गोटे ऑप्शन आछि तो गोटे आपण जोटा भी हेले चूज करबे। तापर क्रेडिट क्रेडिट आपण माने कोन देबे देखंतो एठी 12 भी शो करूछि 24 भी शो करूछि तो आपण माने कोटा देबे नहीं देखो आपण जी मार्क एग्जामिनेशन देते जमी सपोज करूँ कि आप केमिस्ट्री जेनेरिक एंटर कले तो केमिस्ट्री आपण मैंने केते मार्क एग्जाम देखते 200 मार्क एग्जाम देखते मैंने आपणकर 12 क्रेडिट हे। सिमिलरली जब आप 400 मार्क एग्जाम देखते तो 400 मार्क तो कई भी नए तो कहार भी 24 क्रेडिट हेनी। ठीक अच्छे, बट आपणकर दुईटा जेनेरिक थी तो दुईटा जेनेरिक रेत क्रेडिट हो 24 क्रेडिट हो बुझी आसला कि नहीं। तो सेटा कहाँ पाई हबो ना जो माने देखंतु आपण मनको नॉन सीबीसीएस कैटेगरी थिले तो सेमानको पाई हिजबो काहेकि ना सेमानको टाइप रे किछे अलग सिस्टम थिला तो एबे किंतु सेटा बदल जाइछ। तो एठी आपण माने 12 चूज करबे तो 12 चूज करंतु कि 24 चूज करंतु सेतरे कोनोसे फरक पडिबोनी काहेकि ना बहुत पिलांकर डाउट थाय कि सर आमे 12 दे दिछु कोनो किछि प्रॉब्लम हबो कि किछि प्रॉब्लम हबो नाही। तो आपण माने 12 दियंतु कि 24 दियंतु काहेकि ना आपणको आपणकर ऑनर सब्जेक्ट रही पीजी करियार अच्छे तो आपको एठी देखो स्टार मार्क नाही तो स्टार मार्क नाही माने किसी प्रॉब्लम भी एठी आपणको नाही। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट जिनस आस सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक, तो आप कौ सब्जेक्ट पीजी करने चाहते सेटा आप एठी एंटर करेंगे। देखो एठी से जेनेरिक इलेक्टिवटा दबा माने कौन जदि आपण मैंने 24 क्रेडिट एंटर करते मैंने से ही सब्जेक्ट भी आप पीजी करें। ठीक अच्छे, जमी मुझे कहली केमिस्ट्री केमिस्ट्री मुझे ये 24 एंटर करी तेज़ केमिस्ट्री रे भी पीजी करें। ठीक अच्छे, सो ये मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्टा भी एड करती कि मुझे केमिस्ट्री रे भी एंट्रान्स देवी बुझी आसला कि नहीं। तो यहीटा एक्चुअली से दिखाई। ठीक, तो ये पीजी सब्जेक्ट एडमिशन आपर जितेटा भी सब्जेक्ट थी जो जो सब्जेक्ट आपने आवेदन करुँच। ठीक अच्छे, तो से ही सब्जेक्ट गुड़ाक आपको ये एंटर करा पड़ो। तो जमती कि आप जो सब्जेक्ट रे भी पीजी करने चाहते सेटा देले आपण मानक जदि गोटे रु अधिक सब्जेक्ट रे पीजी करार अच्छे तो एड उपर क्लिक करेंगे तापर आउ गोटे सब्जेक्ट आपण मैंने एंटर करेंगे बुझी आसला कि नहीं। तो यह आपण मैंने सब्जेक्ट गुड़ाक एंटर करेंगे तो एंटर कर सारा नेक्स्ट काम स्क्रॉल डाउन करेंगे तौक तो ये आसो आपर प्रेफरेन्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको देवाई पड़ो तो जोटा भी कॉलेज आपंकर घर पाखे अच्छी तो सेटा आपण मैंने देते कहीं देखते जब आप दूर को देते तो दूर से आपर एग्जाम सेंटर आसिले जावाई प्रोब्लेम हम वर्तमान सिचुएशन रे जीवा आसवर बहुत प्रोब्लेम अच्छी तो आपर घर पाखे जोटा भी अच्छी एभेलेबल। ठीक अच्छे, ये आपने देखिपारे तो जोटा भी आपंकर कॉलेज शो कर तो सहीटा आपने। ठीक, तो मुझे ये एंटर करदे देखूँ तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये एंटर कर देली गोटे कॉलेज तापर देखो सेकेंड कॉलेज भी आपण मैंने एंटर करेंगे तो तीन टा ये आपको ऑप्शन मिलू तो तीन टा कॉलेज भितर आपण मैं जोटा भी आपण मैं सुविधा से होने आपण मैंने एंटर करेंगे कौन सी भी असुविधा ना। ओके, तो ये आम एंटर करके देखा सेम कॉलेज आपण मैं हूँ कि ना सेम कॉलेज भी आपण मैं हो जाऊँगी आप प्रेफरेन्स दौरान। ओके, तो ये सब कॉलेज आपर शो करनी जो जोटा आपर अवेलेबल अच्छी जो जो जगह आपर एग्जामिनेशन हम से ही गुड़ाक आपण शो कर आउ बाकी आपको शो करना। ठीक अच्छे, सो ये आपने जो जोटा आपर अवेलेबल अच्छी तो ये मुझे एंटर करदेली। तापर थर्ड रे जब आम देखा थर्ड रे भी से भाई आपर कॉलेज गुड़ाक शो कर। ओके, तो ओके तो यह आपण मैंने भी दे पारे निजर कॉलेज प्रिफरेन्स दे पारे। तापर नेक्स्ट उपर क्लिक कले प्लीज सिलेक्ट एटलिस्ट वन पीजी एंट्रेंस सब्जेक्ट। ओके, तो ठीक गोटे ओके तो देखो ये आपने मैथ्स सिलेक्ट कर सारापर आपर जहाँ भी पीजी एंट्रेंस सब्जेक्ट थी तापर एड उपर क्लिक करेंगे एड उपर क्लिक कलापर ये आपर सब्जेक्ट जोटा भी सिलेक्ट करेंगे सेटा आसीज। सिमिलरली जब आप आउ अलग सब्जेक्ट देवाई चाहते तेल अलग सब्जेक्ट एठू चूज करेंगे एड उपर क्लिक करेंगे तो सेटा सीरियल नंबर 2 रे आसो। तो यही आपको ये एड करा पड़ो तो कर सारापर आपने स्क्रोल डाउन करेंगे नेक्स्ट उपर क्लिक करा पड़ो। तापर देखो ये आपको आसो सेम सॉरी सेम सेंटर कैन नॉट सिलेक्ट फॉर मोर देन वन्स। ठीक अच्छे, सो ये देखो मुझे गोटे सेंटर दी थर सिलेक्ट कर दे तो सही चेंज कर दूसरी पुणी थे तो
ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ତିନିଟା ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ତିନିଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍, ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ଚୁଜ୍ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଚୁଜେନ୍ ଫାଇଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ଚୁଜେନ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ଆପଣମାନେ ଫାଇଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଥିବ, ତ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତ ଏଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫାଇଲ୍ଟେ ଚୁଜ୍ କଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ସୋ କରିବ। ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋଟି ସୋ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ ଆସିବ। ପୁଣି ଓକେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ସେଭ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିବ। ତ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଠି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ଯାହା ବି ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋ କରିବ। ଠିକ୍, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କନଫର୍ମ ଦ କେଫ୍, ଓକେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯାହା ବି ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଇଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଇଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଇଡ଼ିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଟିକ୍ଟା ଯଦି ଲାଗିଛି ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ନ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ହେଇଯିବ, ତ ରେକର୍ଡ ସେଭ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁକୋ ସ୍ମାର୍ଟ ପେ, ଆଉ ଗୋଟେ SBI ଇ ପେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁକୋ ସ୍ମାର୍ଟ ପେ କିମ୍ବା SBI ଇ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର SBI ଇ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୋ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ SBI ଇ ପେରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ୟୁକୋ ସ୍ମାର୍ଟ ପେରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ୟୁକୋ ସ୍ମାର୍ଟ ପେରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଅପସନ୍ ସେଠି ସୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍,
କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜିରୋ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 20 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ। ତ ଯାହା ଯେମିତି ବି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ପେ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ 8 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଫି ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେଫ୍ ମାନେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବାରକୋଡ଼୍ଟା ସେତେବେଳେ ଶୋ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଟେକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ୟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟୁ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ଏଜ୍ ଏ PDF କରିକି ମଧ୍ୟ PDF ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ଦର ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି କି କେମିତି ଆପଣମାନେ CPET ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।